एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। ये वाटर स्पोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हाँ दो लोग हैं, नीरज धीरज, नीरज मैं नीरज हूँ, ये धीरज है मेरा। धीरज अच्छी बात है, कंपनी गए नंबर देखा उधर देने का। हाँ सर बोला है ना जस्ट के बोट रेड पैरासिल। हाँ तीन तीन, तीन, तीन दोनों का है, दोनों का है। तीन बिल्कुल बिल्कुल, पहला ही बोलना मुझे दो दे। जा रहा है कोई, लैंड हो रहा है कोई, टेकअप ले रहा है, हम इधर वो राइट उधर, वो इधर के नहीं, वो कलामुड़ के, सॉरी बागा के। चप्पल को उसके नीचे डाल दो मट्टी में। सो अभी हम लोग पहले तो पैरासेलिंग करने वाले हैं, उसके बाद में बाकी दोनों करेंगे। वो येलो बोर्ड के यहाँ पे जाके खड़ा रहना है, फिर हम इंतजार करेंगे सबके आने के, देन वी गो एंड बी इन द एयर। तो काफी मजा आएगा। ये बढ़िया एक्सपीरियंस था। ओह दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैन, जरूर आओ। आज सारी डेडलिफ्ट काम आ गए, मेरी सारे लेग्स काम आ गए, नथिंग गोज टू वेस्ट इन लाइफ। YouTube पे चैनल है मेरा, उसमें भी आ जाएगा, WhatsApp भी कर दूँ। अभी है ना तीन तीन राइड का सफर है, अभी मजा आएगा, ये अलग ही दुनिया है। यहाँ एक वीडियो मैं यार कहता हूँ फिर बता दो। सो बेसिकली दो टाइप की पैरासेलिंग होती हैं, एक होता है विद डिप और एक होता है विदाउट डिप। सो जो लोकल वेंडर होगा वो आपको हमेशा बेस पैकेज के अंदर विदाउट डिप देने का ट्राई करेगा, बिकॉज ऑन बोर्ड जाने के बाद में द बोट मैन विल आस्क 500 एक्स्ट्रा टू यू। सो आप ट्राई करें कि आप इनिशियल पैकेज में ही अपना डिप को इंक्लूड करा के लेके जाएं, वरना 1200 प्लस 500 दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो डेफिनेटली मैं यही रेकमेंड करूँगा कि गो विद द डिप वन, विदाउट डिप इस राइड का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड मेरे भैया ने ये किया नहीं बिकॉज ही वॉज अ लिटल फियरफुल, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। डेफिनेटली सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। हाँ अगर मेरे ऐसा कोई चश्मिश है तो चश्मा लेके जाओ, चश्मा नहीं गिरता है। यू डोंट नीड टू बी ब्लाइंड व्हाइल यू आर डूइंग पैरासेलिंग अप देयर। दोस्त इसके बाद मेरा ले लियो, इसके बाद मेरे को कर, इसके बाद मेरे को चलेगा। तो ये गाइस मुंह मांग की कीमत लेते हैं, तो डेफिनेटली बार्गेन बिकॉज दे फूल अलॉट। एंड यू नो 1200 का बेस पैकेज, 500 का डिप, 100 का शूट, समझ रहे हो खेल। एंड मेरा इंटेंशन बस यही है कि यार आप लोग अपनी हार्ड अर्न मनी ना गवाओ। सो डेफिनेटली बी अ लिटिल विजिलेंट एंड डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई फ्रॉम मार एंड। अच्छा ये लोग सांस लेने का पैसा नहीं ले रहे थे एटलीस्ट। हाँ
पैसा कैसे वसूल होगा? देख देख के मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो ही गया था। और फिर आई आपके भाई की बारी। Thank you.
सो एक प्यारे से दिन और काफी सारी मेमोरीज बनाने के बाद में हम लोग सीधा निकले अपने होटल की तरफ। मुझे कलंगुट के नाइट मार्केट को थोड़ा सा कैप्चर करना था, और जब हम लोग वॉक कर रहे थे मुझे एक बहुत प्यारा सा मंदिर दिखा जिसकी लाइटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी, तो मैं मंदिर के पास जाके उसे थोड़ा सा शूट करने लगा सो दैट मैं आप लोग को दिखा सकूं। एंड रात को लाइटिंग्स का अलग ही मज़ा आता है, सो हियर दे आर। सो मार्केट में हमें एक प्यारी सी शॉप दिखी जहाँ से हमने थोड़े बहुत गुडीज बाई की है, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द गोवा ट्रिप। एंड स्पेशल थैंक्स टू राजू भैया मेरे साथ आने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उनके बिना ये ट्रिप इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती थी। आई डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद हिम नाउ, सो थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग अलोन, इट वॉज रियली अ लॉट ऑफ फन। होगा अभी एनेबल्ड है ना, लास्ट टाइम एनेबल्ड नहीं था इसलिए। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में कैसा था? It was very nice meeting you, sir. Thank you so much. We hope to see you again for the next. Definitely, time. Definitely. I found this hotel very calm. Good crowd is there, so that's why we extended. So ये वो मैं और ये अंकल जी, ये दो दिन चार दिन हमारे हो गए और ये मेरे को बहुत प्यारा लगा और काफी इसने मदद की है हर छोटी छोटी चीज के लिए, और फिर नाम भी बड़ा प्यारा है वो। और ये अंकल जी, इन्होंने हमेशा थोड़ी सी तकलीफ ली है स्कूटी को आगे पीछे करने में, मेहनत बहुत करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सो दिस सीरीज वॉज अ लॉट ऑफ फन टू शूट, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यू गाइज ट्रैवलिंग विद मी एंजॉयड इट, एंड इफ दिस वीडियो ब्रॉट इवन अ स्माइल ऑन योर फेस फॉर जस्ट अ सेकेंड, then definitely consider subscribing the channel and letting me know in the comment section that you really enjoyed this series. I hope to see you in the next one.